किसका रहा ना उसका रहा, सफर का ही था मैं सफर में चला। अरे मारा दी करो, मारा दी करो। हाँ तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं ई रिक्शा बुक करेंगे उसके बाद फिर वहाँ से, क्योंकि लोकल घूमना है तो ई रिक्शा बेस्ट होता है। वहाँ पे जाएंगे और ई रिक्शा बुक करेंगे और कुछ हरिद्वार आए हैं तो कुछ मंदिर वगैरह देखेंगे और उसके बाद फिर कुछ मार्केटिंग वगैरह करेंगे। तो ई रिक्शा से ये सहूलियत होता है कि आप आराम से रुक के कहीं भी देख सकते हो और जा सकते हो, तो वो सहूलियत होता है ई रिक्शा से। तो गाइस भैया बात कर रहे हैं ई रिक्शा वाले से कि पूरे ई रिक्शा का कितना लोगे वगैरह वगैरह, और मैं इन सब चीज़ों से मुक्त हूँ, मुझे पता नहीं है। मैं बस जाके बैठूंगा और घूमूंगा, मैं भी बात कर सकता था, मेरे में भी स्किल्स है थोड़ा बात करने का, बट यार करने दो यार बड़े लोगों को, अपना क्या ही है। छोटे होने का यही फायदा है कि आप आराम से इन सब चीज़ों से मुक्त होते हो। आज ही बेटा का रिश्ता करवा देंगे मम्मी जी। अच्छा बेटा का रिश्ता कैसा है, रिश्ता कराएंगी मम्मी जी? इतनी खुशी है मुझे आज तक। अरे बाप रे, नहीं ऐसा लगा कि गिर जाएंगे अभी। अंदर ही मिलते हैं, चलो भैया ठीक है आ रहे हैं। कितना शांत जगह है भैया, यहाँ कौन सी मंदिर है? बिल्केश्वर भगवान शिव का मंदिर, भगवान शिव का मंदिर है बिल्केश्वर यहाँ पे। और एक बार सीन चेक करो गाइस, ये देखो खाली सड़कें, पेड़ पौधे, और ये भी तो मंदिर ही है, मेरी मंदिर है। चेक करो गाइस, ये रियल फॉरेस्ट है ये, और ऊपर पहाड़ है पीछे, तो देख सकते हो कितनी खूबसूरत जगह है। हरिद्वार के बारे में एक फैक्ट बता दूं, हरिद्वार में जो गंगा बहती है वो ऐसा माना जाता है हिंदू साइकोलॉजी के अनुसार, शिव की जो चोटी से गंगा निकलती है वो 253 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद पहली बार हरिद्वार में आके टच होती है धरती पे, इसीलिए हरिद्वार को होली प्लेस के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस हम लोगों ने जल ले लिया है और अब जाके देखते हैं क्या करते हैं आगे, फिर पंडित जी हमें बताएंगे कि हमें करना क्या है, एंट्री करेंगे यहाँ पे। बहुत सही फीलिंग है, मतलब जो भी दिक्कतें थी ऐसा लग रहा है कि भगवान मुझसे कह रहे हैं कि यार अबे छोरो बे, जो हो गया सो हो गया और जो होगा सो देखा जाएगा, तो चिल करते लाइफ में। पता नहीं गाइस अभी भैया ने हमें बताया कि आजा चलते गौरी कुंड, देखता हूँ गौरी कुंड क्या है, मे बी गॉडेस गौरी की कुछ मूर्ति वगैरह होंगी। ओ भाई साहब जंगल से जाती है क्या यार रास्ता? हाय बाय। हम चारों के अलावा मम्मी, मैं और आगे दो चल रहे हैं, उनके अलावा एक आदमी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, एक इंसान नहीं है। बहुत ही पीसफुल इलाका है, बट मेरे को डर लग रही है कि जानवर वगैरह ना आ जाए, बस यही है। नहीं तो हम लोग सीधा भगवान के कांटेक्ट में आ जाएंगे सीधा, बिना कोई वीजा बिना कोई पासपोर्ट के। मस्त जोक मारा रे। हम लोग चल रहे हैं दूसरे डेस्टिनेशन पे, दूसरा डेस्टिनेशन है दक्ष मंदिर, क्योंकि हरिद्वार में आप क्या ही उम्मीद कर सकते हो, मंदिर आश्रम धाम यही सब। हम लोग सेकंड चीज देखने जा रहे हैं दक्ष मंदिर, और दक्ष मंदिर पे पहुंच के आप लोगों को दिखाता हूँ कि वहाँ का मंदिर कैसा, और आप लोग कमेंट में जरूर बता सकते हो कि बिल्केश्वर मंदिर आप लोगों को कैसा लगा। शंकर जी के पहले ससुर राजा दक्ष के मंदिर हम लोग जा रहे हैं, तो वहाँ जाके अब मैं दिखाऊंगा। थैंक यू। हाँ तो गाइस इस मंदिर का नाम है राजा दक्ष प्रजापति मंदिर, जैसे कि आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि शंकर। हाँ भाई हाय कर दो, नाम बता दो अपना। दिव्य मौजा, अगर कुछ इंस्टाग्राम है तो मैं दे दूँगा, आईडी फॉलो कर लेंगे, ठीक है।
आएगा तो पाएगा। हाँ तो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये दक्ष मंदिर है और यहाँ पे हम लोग को अंदर कैमरा ले जाने का परमिशन नहीं था बिल्कुल भी, तो अंदर का कुछ मैं शूट नहीं कर पाया। बट फिर भी मैं बता देता हूँ, मुझे सही चीज़ पता चल गई है कि जो राजा दक्ष ने अपने घर पे पार्टी ऑर्गेनाइज की थी तो सभी को बुलाया था उन्होंने, सभी देवतागण को बुलाया, और भगवान भी थे जो उनके दामाद थे, दामाद लगते थे। बट दक्ष को सती की शादी किसी अच्छे बड़े राजा से करवानी थी, वो नहीं चाहते थे कि शंकर जैसा कोई भूत प्रेत और जो आत्मा जिनके साथ रहती हो वो आए। तो जब शंकर जी उनके पास आए तो तब राजा दक्ष ने शंकर की बहुत बेइज्जती की थी, और उस टाइम सती ने कहा कि जहाँ मेरे पति की कोई इज्जत नहीं हुई वहाँ मेरी भी कोई इज्जत नहीं है। और इसी के चलते उन्होंने कुंड में जहाँ पे वो पूजा चल रही थी उसमें अपना प्राण त्याग दिया, वहीं से सती प्रथा की शुरुआत हुई थी। तो ये पूरा होल एंड सोल स्टोरी था यहाँ का, जो कि मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो आप लोग को भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ से सीधा चलते हैं हम लोग, ये वीडियो यहाँ पे हो चुका है, हम यहाँ से सीधा चलते हैं और दूसरे डेस्टिनेशन पे मैं बताऊँगा, दूसरे डेस्टिनेशन पे चलेंगे कहाँ जा। हाँ तो गाइस अभी भैया बता रहे हैं कि ये पारे वाले शिवलिंग इस जगह का नाम है। यहाँ पे पारा मतलब होता है मरकरी, मरकरी इज अ मेटल बट इन लिक्विड स्टेट, केमिस्ट्री में पढ़े हैं हम लोग। तो यहाँ पे मरकरी स्टेट में होता है बट उससे शिवलिंग कैसे बना, ये अचंभे वाली बात है, इसीलिए फेमस है ये जगह, आप लोग को दिखा देता हूँ। ऐसे पहले तो मैं यार दंग रह गया हूँ कि मरकरी से कैसे बना दिया ऐसा सॉलिड, क्योंकि मरकरी एक लिक्विड मटेरियल है, तो वो कैसे बन गया वही सोच के मैं अचंभे में हूँ। बट यार यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोगों के बीच में व्लॉगिंग करना एक टफ टास्क है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि बहुत ही टफ काम है। कम से कम तो 100 लोग देख रहे हैं, ऊपर से आप बीच में खड़े होकर ऐसे व्लॉग कर रहे हो, बट कुछ कोई दिक्कत नहीं है यार, आप लोग के लिए करता रहूँगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आगे भी आज का डे यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, वो तो अभी आधे ही है, आगे भी आप लोगों को 3-4 और डेस्टिनेशन देखने को मिलेंगी, तो वीडियो को कंटिन्यू देख लेना पूरे अंत तक। अगर आपको मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोगों को लग रहा हो कि कुछ नया नया चीज़ और अच्छी चीज़ दिखा रहे हैं तो लाइक कर देना वीडियो को, और अभी चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर सीधा। हाँ तो गाइस अभी हम लोगों ने पूरा दर्शन कर लिया, लोकल जितनी भी मंदिर वगैरह थी सबके दर्शन कर लिए हम लोगों ने। अब हम लोग आए हैं कुछ शॉपिंग वगैरह करने, अब हम लोग आए हैं विशाल मेगा मार्ट, क्योंकि सबसे लोकल मार्ट यही था। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या कलेक्शन है और कंपेयर करेंगे हमारे यहाँ पे क्या कलेक्शन है और यहाँ पे क्या कलेक्शन है। मेरे को दो चीज़ चाहिए, एक अगर अच्छा सा कुछ डेनिम वगैरह कुछ मिल जाए, शूज वगैरह मिल जाए तो ठीक है, 2 टकीला शॉर्ट्स, और ये देखो एक और चीज़ दिखाते हैं बिरजू भैया की जय। मैंने ये जूता सेलेक्ट करा ली, मेरे को शूज़ चाहिए था, टी शर्ट वगैरह तो कुछ मिला ही नहीं, डेनिम वगैरह, शूज़ मिल गया मेरे को, तो बताना कैसा शूज़ है। तो ऋषिकेश और मसूरी घूमूंगा इन्हीं जूतों में 2 दिन के लिए, 2 दिन के बाद अगर फटवट गए तो भी कोई पंगा नहीं है, क्योंकि सस्ते जूते हैं, सस्ते में हो गए हैं तो ठीक ही है। अच्छा जूता लगा मेरे को, तुम बताओ कमेंट में कैसा लग रहा है। गाइस दीदी आई है, दीदी का ट्रेन कैंसिल हो गया है अग्नि आर्मी के वजह से, वो जो वही जो प्रोटेस्ट वगैरह क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके कारण हमको घर नहीं जाना, तुम ब्लॉग ना घर नहीं जा रही क्योंकि इनका 15 तारीख को भी टिकट कैंसिल हुआ था, इनका घर जाने का मुहूर्त है ही नहीं, मिलना लिखा था आ गई। अब हम लोग कल मसूरी भी जाएंगे और ऋषिकेश भी जाएंगे, दोनों जाएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं घूम के आते हैं, अंशु भैया बोले कि चलो घूम के आते हैं कहीं से, तो अभी घूम के आ रहे हैं, आज का डे तो ऐसे ही है और मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, धूप बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग आए हैं चाय छुट्टा बार, बस हम पिज़्ज़ा कोल्ड वॉक। गाइस मेरा आ चुका है एक्स्ट्रा चीज़ी पिज़्ज़ा, और ये कोल्ड वॉक है दीदी का, और ये सैंडविच है भैया का कॉर्न मायो सैंडविच, मेयो कॉर्न मेयो सैंडविच। फिनिश, फोन की हालत गंदी हो चुकी है,
अब हम लोग चलते हैं, लेट्स गो। तो गाइस अभी आराम से मैं लेट चुका हूँ, घर आ गया हूँ खा पी के। आप लोगों ने देखा होगा क्लिप, मैं अभी गए थे हम लोग चाय सुट्टा बार, वहाँ पे हम लोगों ने कुछ कुछ खाया। उसके बाद फिर अब जैसे घर आ गया हूँ, अब थोड़ा सा यार एंजॉय करूंगा, तो फैमिली मेंबर्स के साथ बैठू बैठूंगा। तो अब यहीं पे व्लॉग को एंड करता हूँ, फिर कल जाना है ऋषिकेश, तो उसका व्लॉग फिर आप लोग को मिलेगा। अगला व्लॉग आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो। दिस इज अर्चित चौधरी साइनिंग आउट। आजकल देखता नहीं हूँ मैं फिल्में, आजकल दिखता नहीं हूँ मैं फिल्में, आजकल कोई भी नहीं है मेरे दिल में।